हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का ये टॉपिक जो कि है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि लीनियर हो, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हो, उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमने ले लिया है जो कि है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस y इज इक्वल्स टू cos 2x। इस तरह से ये इक्वेशन दी हो सकती है या फिर इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है d क्यूब प्लस 1 ब्रैकेट y इज इक्वल्स टू cos 2x। ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, बस ये लिखने का तरीका है। यहाँ पर जो ये कैपिटल D है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है d बाई डी एक्स। ओके, कैपिटल D क्या है यहाँ पर? d बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस टाइप की इक्वेशन अगर हमें सॉल्व करनी है तो इसको कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं? सो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर हम ये इक्वेशन ले रहे हैं तो यहाँ पर d बाई डी एक्स को हमें d कैपिटल D एज्यूम कर लेना है। सो ये हो जाएगा d क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओनली d की फॉर्म में होता है या फिर आप कोई और वेरिएबल m भी मान सकते हैं। सो m की फॉर्म में हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो डेरिवेटिव है d बाई डी एक्स, इसको कैपिटल D से रिप्लेस कर देना है। तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा, y को हटाकर जो भी कोफिशिएंट है d क्यूब प्लस 1, इसको 0 से इक्वेट कर लेना है। यही हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं d क्यूब प्लस 1 क्यूब इक्वल टू 0। और हम लगाएंगे फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब का, जो कि होता है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ हम अप्लाई कर देंगे टू फाइंड द रूट्स, क्योंकि यहाँ पर d की मैक्सिमम पावर 3 है। दैट मीन्स कि इस इक्वेशन के 3 रूट्स मिलेंगे और वो 3 रूट्स निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा d प्लस 1 एंड d स्क्वायर माइनस d प्लस 1 इक्वल टू 0। सो या तो d प्लस 1 0 होगा या फिर d स्क्वायर माइनस d प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। इससे हमें एक रूट मिल जाएगा वो कि माइनस 1, एंड दो अदर रूट्स निकालने के लिए हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि होता है d इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहाँ a मतलब d स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज 1, b कितना है माइनस ऑफ 1 एंड c अगेन 1 है। तो ये वैल्यूज़ हम रख देंगे। सो हमें यहाँ क्या मिलेगा, प्लस माइनस 1 माइनस 4 अपॉन 2, रूट में ये आ जाएगा माइनस 3 अपॉन 2। रूट में माइनस 1 की वैल्यू आई होती है, आयोटा होती है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 3 आई अपॉन 2। आप 2 को सेपरेट कर दीजिए दोनों के नीचे तो ये आपको मिलेगा इस फॉर्म में। सो ये हमें मिल गई d की तीनों वैल्यूज़। फर्स्ट वैल्यू d इक्वल टू माइनस 1, सेकेंड d इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस रूट 3/2 आई एंड थर्ड इज 1/2 माइनस रूट 3/2 आई। इसका हम लिख लेंगे CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि ये जो इक्वेशन है यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी आपके पास फंक्शन ऑफ x है। दैट मीन्स कि इसके लिए आपको PI भी निकालना पड़ेगा। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट रहता है, इसका सॉल्यूशन जो होता है दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू CF प्लस PI। किसके बराबर होता है? CF प्लस PI। CF मतलब ये चीज़, d की पहले वैल्यूज़ निकालिए फिर CF लिखिए, और अगर राइट साइड में फंक्शन ऑफ x है तो PI भी निकालना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम CF लिख लेते हैं, किसके लिए, जिसमें d की एक वैल्यू है माइनस 1 और एक दो वैल्यूज़ ये कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो CF इसके लिए क्या हो जाएगा, C1 e टू द पावर माइनस 1। मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देती हूँ कि अगर आप यहाँ लिख देती हूँ, अगर आपके रूट्स कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स में हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं,
अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में है। तो जो सी एफ होगा वो आपका होगा ई टू दी पावर अल्फा एक्स सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, अल्फ़ा की जगह पे 1/2 लेंगे और बीटा की प्लेस पे √3/2 लेंगे। तो ये बन जाएगा e टू दी पावर 1/2x सी टू कॉस √3/2x प्लस सी थ्री साइन √3/2x। हम c1 पहले ले चुके हैं इसलिए नेक्स्ट कॉन्स्टेंट जो हम लेंगे वो c2 और c3 होंगे। तो ये आ गया हमारा सी एफ। ओके, दिस इज़ दी सी एफ। तीन रूट्स थे, तीनों के लिए हमने सी एफ लिख दिया है। पहला जो नॉर्मल रूट था उसके लिए जस्ट आपको कॉन्स्टेंट लेना है और e टू दी पावर दैट रूट इंटू एक्स लिख देना है, और जो कॉम्प्लेक्स रूट्स थे उनके लिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब निकालेंगे हम पी आई 1/fd इंटू क्यू। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ पी आई, वहाँ पर जहाँ पर एफ डी क्या है, फंक्शन ऑफ डी, मतलब जो आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन आया होता है या फिर कहें ऑक्सिलरी इक्वेशन का लेफ्ट साइड मीन्स एक्सप्रेशन जो होती है वो लिखते हैं। तो यहाँ आएगा आपका डी क्यू प्लस वन, ये चीज़। ओके, एंड क्यू मीन्स राइट हैंड साइड जो कि है कॉस टू एक्स। अब आपको फॉर्मूला पता होगा पी आई का जो कि है 1/d2। ओके, फंक्शन ऑफ डी स्क्वेयर, अगर आपका फंक्शन डी स्क्वेयर का है तो आप इसका पी आई निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लेंगे कॉस ए एक्स, दिस इज़ इक्वल टू, जो इसका पी आई होगा वो क्या होगा, ओनली आपको क्या करना है, जहाँ डी स्क्वेयर है वहाँ ए स्क्वेयर ले लेना है। ये फॉर्मूला होता है। जब आपका क्यू कॉस ए एक्स टाइप का हो तो जो फंक्शन है उसमें डी स्क्वायर की प्लेस पर आप माइनस ए स्क्वायर रख देंगे तो पी आई निकल आता है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए कॉस ए एक्स टाइप का फंक्शन है जहाँ पर ए की वैल्यू 2 है। हियर ए इज इक्वल्स टू 2, सो माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ये वैल्यू हम रखेंगे कहाँ रखेंगे, जहाँ डी स्क्वायर है, बट यहाँ तो डी क्यूब है तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे, डी स्क्वायर डॉट डी लिख देंगे और फिर रख देंगे वैल्यू। तो यहाँ रखेंगे माइनस का ए स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख लीजिए, बिकॉज 1/fd2 cos ax का फॉर्मूला होता है 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर cos ax। ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया है। अब आप देख सकते हैं अब हमें फिर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि अभी कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, यहाँ d ऑलरेडी है, d हमें हटाना है, d क्या है, डिफ्रेंसिएशन, इसको हमें हटाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ रैशनलाइज करेंगे इसको और d स्क्वायर बना देंगे। कैसे रैशनलाइज करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये तो मैंने जस्ट माइनस साइन था, इसको इधर लिख दिया है। रैशनलाइजेशन मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1+4d से ऊपर और नीचे दोनों, तो ये नीचे वाली टर्म स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा जो कि होता है, ये होता है हमारा 1+4d ऊपर रहेगा, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, मतलब 4d का होल स्क्वायर और cos 2x ये आ जाएगा। देखिए 1+4d ऊपर है और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया, इसको हम सॉल्व कर लेंगे नीचे। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, मतलब 16d स्क्वायर। और फिर अगेन हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, दिस फॉर्मूला, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखेंगे, मीन्स माइनस 4 रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा कितना, ऊपर नहीं रख पाएंगे क्योंकि ऊपर डी स्क्वायर नहीं है, यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4 कॉस 2x। सो आपको कितना मिल गया, 64, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 कर देंगे 65 आ जाएगा। सो 1/65, एंड ये सिंपल आपका आ चुका है। अब आपको जस्ट ऊपर से सॉल्व कर लेना है, यहाँ पर मैं बता रही हूँ इसको।
वन अपॉन 65 तो कांस्टेंट है, यहाँ मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगी, वन से हो जाएगा मल्टीप्लाई कॉस 2x आ जाएगा, और 4d से हो जाएगा 4d कॉस 2x। ये हम सॉल्व कर लेंगे, डी ऑफ कॉस 2x, डी मतलब क्या था, डी बाई डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे, तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कॉस का होता है माइनस साइन 2x और 2x का हो जाएगा 2, सो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, जस्ट कॉस 2x माइनस 8 साइन 2x, ये आ गया हमारा PI। अब हम लिख सकते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, जो सी एफ आया है उसको पी आई से ऐड कर लेंगे, तो सी एफ हमारा था सी वन ई टू द पावर माइनस एक्स, सी टू कॉस रूट थ्री बाई टू एक्स, सी थ्री साइन रूट थ्री बाई टू एक्स, ये हमारा सी एफ हो गया, एंड पी आई है वन अपॉन 65 कॉस 2x माइनस 8 साइन 2x। सो ये होता है हमारा सॉल्यूशन, y इक्वल टू दिस।